हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं शिवरात्रि स्पेशल व्रत की बर्फी। रेसिपी को बनाने के लिए हमने 2 गिलास दूध लिया है, उसी में हमारी ये रेसिपी बनके एकदम तैयार हो जाएगी। ये दूध को अच्छे से हम पहले उबाल लेंगे। ये फुल फैट मिल्क है, ये नहीं हो आपके पास तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। इसमें ये उबाल आने लगा है, अब इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले ये चीनी। ये हमने 3/4 कटोरी चीनी ली है। अब चीनी को इसमें अच्छे से घुलने देंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है, इसमें ये डाल देंगे इलायची पाउडर। आप चाहें तो अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता हो तो डालें, पर मीठी चीज में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब दूध को ऐसे ही उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें ये 2 से 3 चम्मच हमने घर की मलाई ली है, दूध के ऊपर जमती है, दूध को गाढ़ा होने में अच्छा लगेगा, मावे जैसा टेस्ट आएगा, इसलिए मलाई डाल देंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो आप उसकी जगह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको उबलने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब एक पैन रख लिया हमने गैस पे, उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी साबुदाना। साबुदाने को ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे बिना घी डाले। इनको 3 से 4 मिनट ऐसे ही रोस्ट करें। बस हमें इन्हें कलर चेंज नहीं करना है, आपको हल्के हल्के ये फूले हुए दिखने लगेंगे तो गैस को बंद कर देंगे। अच्छे से रोस्ट हो गए, कलर चेंज ना करें, गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने पर अच्छे से महीन पीस लेंगे। ये साबुदाने हमने पीस लिए हैं ठंडे होने पे, देखिए अच्छा इनका महीन पाउडर बन गया है। थोड़े दरदरे से रहेंगे पर इतना ही हमें चाहिए। एक पैन में अब हमने ये 1 चम्मच घी लिया है। ये मिठाई सिर्फ हमारी 2 गिलास दूध और 1 चम्मच घी में ही बन जाएगी। अब इसमें हम ये साबुदाने जो पीसे ये डाल देंगे और अच्छे से इन्हें घी में सेकेंगे। जितना अच्छा ये सेकेगा उतनी अच्छी हमारी मिठाई का टेस्ट आएगा। तीन से चार मिनट हो गए हैं और ये डेसिकेटेड कोकोनट जैसा लगने लगा है, इसका मतलब ये सिक गए। फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखें और इसी में ये 2 चम्मच हम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इसको भी अच्छे से इसमें सेक लेंगे। ये बहुत जल्दी सिक जाता है, इसलिए जैसे ही ये ब्राउन होने लगे वैसे ही गैस की फ्लेम को आप बंद कर दें। ये दूध भी गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें हमने जो साबुदाने भून के रखे हैं पाउडर वो इसमें हम मिला देंगे। ये मिला दिया है, इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, आप बिल्कुल भी ना डरें इस चीज से। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा, देखिए। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से डो के फॉर्म में ना आ जाए। जमने वाली स्थिति में जब तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है। एक प्लेट में हमने पहले से ही घी लगा लिया है, आप भी घी लगा के रखें जिसमें भी आपको ये जमाना हो। बहुत जल्दी बन जाती है और कम से कम सामान में एकदम स्वादिष्ट। अब इसको हम घी वाली प्लेट में पोर कर देंगे। ये हमने प्लेट में पोर कर लिया है, अब इसको हम जमने के लिए छोड़ देंगे। प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ दें, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप फ्रिज में रख दें। फिर हम इसके भी अच्छे से सेट हो गई है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। ये हमने कटिंग कर ली है और ये बर्फी अच्छे से जम भी चुकी है। देखिए आप किसी भी शेप में इसको काटें, ये बर्फी बन के एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।